कक्षा 12 में आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र। पिछले वीडियो में हमने आपको नर जनन तंत्र के बारे में समझाया था। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित भाग आते हैं। पहला भाग अंडाशय, दूसरा भाग अंडवाहिनी, तीसरा भाग गर्भाशय, चौथा भाग योनि तथा पांचवा भाग सहायक ग्रंथियां होती हैं। अंडाशय को ओवरीज, अंडवाहिनी को ओविडक्ट, गर्भाशय को यूटेरस, योनि को वजाइना तथा सहायक ग्रंथियों को एक्सेसरी ग्लैंड्स कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं अंडाशय अर्थात ओवरीज। अंडाशय की संख्या एक जोड़ी होती है और इनकी आकृति बादाम की तरह होती है। प्रत्येक अंडाशय मीजोवेरियम नामक झिल्लीनुमा जोड़ के द्वारा गर्भाशय की दीवार के साथ अटैच होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है तथा मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रॉन स्रावित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर से जर्मिनल एपिथीलियम द्वारा घिरा होता है, जिसके अंदर का संपूर्ण भाग स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में रुधिर केशिकाएं, तंत्रिका तंतु तथा ग्रेफियन फॉलिकल्स विभिन्न अवस्थाओं में बिखरे पाए जाते हैं। अंडाणु के डिस्चार्ज होने पर रुधिर से भरी कैविटीज़ बन जाती हैं। रक्त का थक्का बनते ही ये रचनाएं अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करने लगती हैं। अब इन्हें कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। दूसरा भाग है अंडवाहिनी अर्थात ओविडक्ट। अंडाशय के ठीक ऊपर से निकलकर गर्भाशय तक जाने वाली नलिकाओं को अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। इसका प्रारंभिक भाग झालरदार और कीपनुमा होता है, जिसे सिलिएटेड फनल भी कहते हैं। बीच वाला लंबा और पतला भाग फैलोपियन नलिका कहलाता है, जबकि अंतिम भाग इस्थमस होता है, जो गर्भाशय में खुलता है। अंडवाहिनी द्वारा अंडाणु गर्भाशय की ओर गति करते हैं और निषेचन सदैव फैलोपियन नलिका में ही होता है। फैलोपियन नलिका रोमाभि अर्थात सिलिएटेड एपिथीलियम द्वारा स्तरित होती है, जिससे कि अंडाणु गति कर पाते हैं। अंडवाहिनी का प्रमुख कार्य अंडाणुओं का भंडारण करना और पोषण करना भी है। कोवुलेशन के दौरान पुरुष के द्वारा भेजे गए स्पर्म्स अर्थात शुक्राणु गति करते हुए गर्भाशय के इस्थमस भाग से आगे बढ़ते हैं और फैलोपियन नलिका में पहुंचकर अनिषेचित अंडाणु के साथ फ्यूज हो जाते हैं। निषेचन के पश्चात जायगोट का निर्माण होता है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो याद रखें फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। अब समझेंगे मादा जनन तंत्र का तीसरा भाग अर्थात गर्भाशय या यूटेरस। यह भाग नाशपाती की आकृति के जैसा दिखाई देता है। यह एक पेशीय रचना है, जिसमें काफ़ी अधिक फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है। दोनों ओर की अंडवाहिनियाँ इसी गर्भाशय नामक थैलेनुमा रचना में खुलती हैं। इसका निचला भाग संकीर्णित होकर या सिकुड़कर सर्विक्स बनाता है, जो कि वजाइना में खुलता है। गर्भाशय में भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। गर्भाशय स्त्री के श्रोणी भाग अर्थात पैल्विक रीजन में स्थित होता है। गर्भाशय की लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर
चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। गर्भाशय के आगे की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर मलाशय स्थित होता है। गर्भाशय की दीवारों में श्लेष्मिक कोशिकाओं से म्यूकस का स्राव होता है, जो शुक्राणु और अंडाणु के मार्ग को सुगम बनाता है तथा उनकी सुरक्षा भी करता है। गर्भाशय में निषेचित अंडे का वर्धन भी होता है। वर्धन का मतलब डेवलपमेंट, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। निषेचित अंडा गर्भाशय में आते ही धीरे धीरे डेवलप होकर मोरुला अवस्था में बदलता है, फिर ब्लास्टुला में, और उसके बाद ब्लास्टुला अवस्था में ही वह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तथा पोषक पदार्थों को लेकर आकार में बढ़ने लगता है। इस प्रकार भ्रूण का डेवलपमेंट पूरा होता है। अब चौथा भाग पढ़ेंगे, योनि अर्थात वजाइना। यह स्त्री का कॉपुलेशन चैम्बर अर्थात मैथुन कक्ष होता है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी और अत्यधिक संकुचनशील सिकुड़ने और फैलने वाली एक नलिका है, जिसमें लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु होते हैं जो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। योनि के दोनों तरफ बर्थोलिन ग्रंथियां भी होती हैं। इन ग्रंथियों से एक द्रव स्रावित होता है जो वजाइना और गर्भाशय में शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। वजाइना के बाहर की ओर वल्वा अर्थात भग नामक बाह्य जननांग स्थित होता है, जिसमें पल्लेनुमा रचनाएं पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे पांचवा भाग, सहायक जनन ग्रंथियां अर्थात ऐसे शरीर जेनाइटल ग्लैंड्स। बर्थोलिन ग्रंथियां, रेक्टल ग्रंथियां, पेरिनियल ग्रंथियां तथा स्तन ग्रंथियां ये सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं।